दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से मुंबई में गणपति विसर्जन शुरू हो चुका है और यहाँ पर मुंबई की बिगेस्ट मूर्तियाँ विसर्जन की जा रही है। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर समुद्र में मूर्तियों को लेकर जा रहे हैं, नाव में बैठाएंगे फिर विसर्जन के लिए अंदर ले जाएंगे। इस वीडियो में आपको मुंबई की सबसे बिगेस्ट मूर्तियों का विसर्जन देखने को मिलेगा। पूरा लास्ट तक आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको गणराज जी हो गए या लालबाग चार राजा हो गए, मुंबई चार राजा हो गए, खेतवाड़ी चार राजा हो गए या चिंतामणि राजा हो गए या गिरगांव चार राजा हो गए, सभी लोगों का वीडियो इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और इसके अलावा आपको कई सारी और मूर्तियों का विसर्जन देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस समय 5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। आप लोग देख सकते हैं ब्रिज के पूरा नीचे यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपको गिरगांव चौपाटी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में मैंने पूरा दिन से लेकर रात तक का वीडियो शूट करके आपको दिखाया है और यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियों का विसर्जन होने जा रहा है और कितनी भव्य कितना आलीशान तरीके से इनकी सजावटें की गई हैं। और पूरा रोड बंद कर दिया गया है, पूरा रोड जाम हो चुका है, रास्ते पर भंडारा मिल रहा है। और यहां पर देख सकते हैं किस तरह से मूर्तियों का विसर्जन मुंबई में इस समय किया जा रहा है जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फिलहाल अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और हम भी पहुंच चुके हैं गणपति विसर्जन में। हमारे पीछे ही चिंचपोकली चा चिंतामणि राजा जी का पंडाल है और उनकी मूर्तियों को अब निकाला जा रहा है विसर्जन के लिए। तो हम भी यहां पर पहुंच चुके हैं और आपको पूरा फुल वीडियो यानी पूरा फुल ब्लॉग 2023 मुंबई गणपति का दिखाने जा रहे हैं।
गणेश भक्तांच्या भेटीला बाल गोपाळ सर्विंग महोत्सव मंडळ करिअर पूर्व हातामातात गाल बोट न लागता करू शकलो याच संपूर्ण आपल्या सर्व पदाधिकारी आणि गणेश भक्तांचे हार्दिक आभार 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 मानत धन्यवाद आपण आपल्या गणरायाकडे आम्हाला जो सुखपैकीचा मान दिला त्याच्याबद्दल आम्ही सर्व गणेश भक्तांच्या वतीने हळू 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 बिलकुल गणपती बाप्पा बाबू बोरडेकर ते अगर व्यक्तित्व झाले असेल तर आपला उपचार मंडळाचा प्रथम उपचार चालू आहे त्यांना तिथे घेऊन जाव सुपकाशी गोखणी मूर्ती रंगारे घटकता रहिवासी संघ त्यांनी साकारलेली आहे मुंबईचा विघ्नहर्ता एंटरबिल या ठिकाणचा गणरायाची मिरवणुकीत सामील झालेल्या सर्व पदाधिकारी आणि गणेश भक्तांचे आम्ही आपण आपल्या गणरायाचरणी आम्हाला जो पुष्पल्ली करण्याचा मान दिला त्याबद्दल आम्ही तिथे जमलेल्या सर्व गणेश गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणेश भक्तांच्या वतीने आम्ही आपले आभारी आहोत मंडळाचे माजी मंडळ प्रमुख विकासजी शिंदे यांनी मंडळाला संस्था भेट दिल्याबद्दल त्यांचे आभार गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती गणेश भक्तांचे आम्ही आभार मानत आहोत बोर्ड तुटला तर काय पण तुम्हाला दुखापत झाली तर त्याची जबाबदारी आम्ही
भक्तांचे स्थानिक हनुमान उत्सव मंडळ आणि आई चॅरिटेबल ट्रस्टच्या वतीने तसेच इथे जमलेल्या तमाम गणेश भक्तांच्या वतीने हर्ष स्वागत 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 अतिशय सुंदर आणि देखण्याची मूर्ती साकारण्यात आलेली आहे. मुखाने गजानन बोला आणि आपला हा आनंद कुठल्या वर्षी दिसून दुर्गुणित व्हावा हेच श्री गणरायाचरणी मागणे. आगमन झाले तरी आम्ही पुनश्च सर्व दमलेल्या गण इधर रहेगा ना काय पुसायला घाम तुझ्या अंगाकडे Thank you.
फोटो लवकर
Thank you.